हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म के बारे में कि अर्थवॉर्म जो होता है वो किस तरह से रिस्पायरेशन करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखेंगे जो अर्थवॉर्म होता है, आपने इसको देखा हुआ है कि उसकी जो बॉडी है वो बड़ी ही स्लाइमी होती है एंड वो जितनी भी रिस्पायरेशन है वो स्किन के थ्रू करता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि उसकी जो आउटर कवरिंग है बॉडी की उसको हम कहते हैं स्किन। और स्किन जो है ना उसके ऊपर क्या है कि मॉइस्चर होता है, तो वो जो मॉइस्चर है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन के डिफ्यूज़ होने में और बाद में उसकी रिस्पायरेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम जो है वो स्टडी करते हैं रिस्पायरेशन इन अर्थवॉर्म। तो उसमें सबसे पहले हम उसकी स्किन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। तो देखें कि आउटर कवरिंग है बॉडी की और पूरी बॉडी को उसने कवर किया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या है, ब्लड कैपिलरीज जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है एंड साथ में जो स्किन है उसके ऊपर मॉइस्चर है वो पूरी की पूरी जो है ना वो वेट है। और वेट वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है और सिक्रीशन जो है वो हो रही है ग्लैंड्स की वजह से और वो ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट हैं स्किन के अंदर एंड वही ग्लैंड क्या करते हैं बहुत सारा जो म्यूकस है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड समटाइम क्या होता है कि जो सिलोमिक फ्लूड है वो भी उसके कुछ पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं डोर्सल पोर, वहाँ से वो सिक्रीट आउट होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीट होता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी वो रिलीज होता है और उसी फ्लूड में उसी वेट सरफेस के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। एंड जितनी भी ऑक्सीजन होती है जब डिजॉल्व हो जाएगी तो फिर वो उसकी एपिडर्मस को क्रॉस करके उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है। उसकी ये ब्लड कैपिलरीज जो हमने पढ़ी हैं कि उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उन कैपिलरीज में चली जाएगी और वहाँ पे उसको क्या मिलेगी, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी तो वो बन जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और वही जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है और वो बनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वो क्या करेगी, वो सारे टिश्यूज तक पहुँचेगी, यानी वही ब्लड कैपिलरीज जो है वो मूव करके जा रही हैं, ठीक है, यानी कि उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, उन्हीं के अंदर जितना भी ब्लड है वो रन कर रहा है वो वहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद क्या होगा, जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी और वहाँ पे एक ना पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन है, मतलब चीज़ें जो होती हैं वो हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हाई अमाउंट में है तो वो क्या करेगी, वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी टिश्यू के अंदर और टिश्यू से आगे फिर वो सेल्स में जाएगी और फिर वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ से दोबारा जो है वो उसके अंदर आ जाती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर आ जाएगी, ब्लड से फिर वही एट द एंड स्किन के पास पहुँचेगी और फिर वहाँ से वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी स्किन के ज़रिए। इस तरह हम कहते हैं कि जितनी भी CO2 है वो रिलीज़ होती है थ्रू द स्किन। तो यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, होपफुली आपको पसंद आई होगी। जो इमेज आपकी स्क्रीन पे है अभी मैं आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सारा का सारा दिखाया गया है, साथ में इसके मसल्स और बाकी इसकी वेन्स ETC सब कुछ दिखाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि देखें कि ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम उसके ना किसी एक सेगमेंट की बात कर लें तो इस तरह से ये इसका सेगमेंट होता है, वैसे उसके ऊपर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट उसकी रिस्पायरेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी सरफेस है वो हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें देखें कि सबसे पहले जो है ना वो म्यूकस की लेयर है, ये जो आपको थोड़ी जो है ना वो ऐसे हेलिकल लग रही है तो ये म्यूकस की लेयर होगी, उसके नीचे जो है वो एपिडर्मस होगी, उसके नीचे फिर टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ में और जितने कि एपिडर्मस जो है यानी कि जो आउटर लेयर है उसकी स्किन है उसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रही है उसके अंदर डिजॉल्व हो रही है। और दूसरी साइड से हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखा दी है जो कि एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो ये जो है ये इसकी डायग्राम है एंड होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जो रह गया है मैं नहीं बता सकी या मुझे याद नहीं रहा, तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।